नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सहारनपुर में जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इन लोगों ने गांव के ही एक युवक से शराब खरीदी थी, जिसके बाद पीड़ितों की अचानक तबीयत खराब होने लगी। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे SSP, जिलाधिकारी और DIG ग्रामीणों से इस मामले की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। हरिद्वार के कुछ अधिकारियों से बात करने के पश्चात और लोकल इंटेलिजेंस के पश्चात ये प्राप्त हुआ है कि बालूपुर नाम का एक गांव जो थाना झबरेड़ा में पड़ता है, वहां पर ज्ञान सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले से इन जहरीली शराब के निर्माण और उसके सेल में इन्वॉल्व रहा है, वहां पर एक रात्रि भोज दिया गया कल और उसमें यहाँ के भी कई लोग वहाँ गए। वहाँ पर दारू कंज्यूम की गई और कुछ ऐसा इंटेलिजेंस भी है कि कुछ पाउचेस वहाँ से लेकर के भी आए गए पिंटू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा और उसको कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिया गया। आगरा में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कुछ बदमाशों ने ATM तोड़कर ATM का सारा कैश लूट लिया और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आगरा में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर लाखों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट होकर कार्य का बहिष्कार किया। यह हड़ताल सभापति छीतर सिंह और अध्यक्ष सुशील कुमार की अगुवाई में की गई। वहीं सुशील कुमार ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए विद्यालयों को बंद रखने के लिए कहा, साथ ही सभी से सहयोग करने की गुहार भी की है। बागपत में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के चलते 3 अलग अलग हादसे सामने आए हैं। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की लापरवाही से एक किसान के खंभे के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं बरसात के बाद गिरे मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल हादसों की सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारी मामलों की तफ्तीश में जुटे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। वर्ष 2019-20 के लिए वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने लगभग 4,79,701 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार बेटियों को जन्म से पढ़ाई और बालिग होने तक आर्थिक सहायता देने वाली कन्या सुमंगला योजना का ऐलान कर सकती है। देवरिया में पुलिस ने बैंकों में लूटपाट करने वाले गिरोह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को इनके पास से लाखों की नकदी और सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। हमीरपुर में बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। ये एक बस अहमदाबाद के लिए जा रही थी बांदा से हमीरपुर की तरफ और इधर से जा रही थी बोलेरो, दोनों आमने सामने हुई थी। एक दूसरे को बचाने में ज्यादा स्पीड में थी, कटिंग किया थी। हम बेतवा नदी की तरफ जो खाई में उतर आई है बस। अच्छा ही है कि इसमें किसी को कोई विशेष चोट नहीं आई है, कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज को दिखाने आए परिजनों ने इमरजेंसी विभाग में पथराव कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला सखौली गांव का है, जहां एक महिला को करंट लगने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां महिला मरीज की मौत की अफवाह सुनकर भड़के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में पथराव शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। मैनपुरी में एक सीमेंट एजेंसी की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल 17 दिन पहले पड़ा लिंटर अचानक वहीं खड़ी एक महिला के ऊपर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे तहसीलदार ने विक्रेता के विरुद्ध सीमेंट की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अब जैसा कि अभी आए आप लोग, गांव के लोग बता रहे हैं कि ये काम चल रहा था इसमें, और ये जो जीने का स्लोप था उसी स्लोप के नीचे वो जो महिला हैं वो थी, अपना कुछ काम वाम कर रही थी, निकल रही थी काम इस पे चल रहा था, तो उसी समय अचानक ही वो लिंटर गिर गया उसी से दबके। लखनऊ में डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसमें ई कोर्ट और ई प्रिजन को लिंक करने से अभियोजन कारागार और न्यायालय से संबंधित सूचनाएं थाने पर ही कंप्यूटर पर एक क्लिक में उपलब्ध हो जाएंगी।
वहीं इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन विवेचना के संबंध में सीधे एसपीओ की कानूनी राय सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है।